हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर आए हैं, कबाब, मटन कबाब। उसके लिए हमने एक सबसे पहले मटन लिया है, हमने वन केजी मटन लिया हमने। उसको हमने ये जो स्टोन स्लैब होती है वो वुडन मैलेट के साथ हमने इसको कूटा है। ये देखो कितना सॉफ्ट हो गया है। वुडन मैलेट के साथ इसको हमने कूट के स्टोन वाले स्लेब पर, वो आगे आप वीडियो में भी देखेंगे कैसे हमने इसको कूटा है। उसके साथ हमें इंग्रेडिएंट्स जो लगेंगे, 6-7 हरी मिर्च, साल्ट स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और मैदा ये 4 से 5 चम्मच, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ये एग हमने लिया है 1 एग। अब हम आपको बताएंगे कि वो वुडन मैलेट से हम कैसे मटन को हम तैयार करेंगे। और 1 केजी मटन के लिए 150 से 200 ग्राम फैट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। हम दोनों को मिक्स करेंगे और उसको हम तैयार करेंगे। ऑनियन 2 से 3 ऑनियन, इनको हमने कद्दूकश किया है। जब ऑनियन को हम कद्दूकश करेंगे, मैंने पहले भी रेसिपी में आपको कहा है कि इसको निचोड़ना होता है, सारा पानी, इसमें जो पानी होता है वो निचोड़ना होता है। अगर हम निचोड़ेंगे नहीं इस पानी को जो इसमें होता है, वो कबाब हमारे टूट जाते हैं। देखो ये बिल्कुल ड्राई बिल्कुल है ये। अब इसके बाद हमारे पास जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, रेड चिलीज हैं 6-7, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, और काली मिर्च ये 6 से 7, दालचीनी 2, मोटी इलायची 3, और हमने इसमें जो एक्स्ट्रा जो 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाता है, इनको इन 2 इंग्रेडिएंट्स की वजह से हमारे कबाब में बहुत ही खुशबू आएगी और बहुत ही बेहतरीन बनेगा। जो ये वाला इंग्रेडिएंट है इसको कहते हैं कबाब चीनी। इसकी देखो आप, इसको पीछे से टेल बनी है, ये पूरा ये काली मिर्च जैसा होता है लेकिन इसकी पीछे दुम जैसी होती है। इसको टेल पेपर भी कहते हैं, हिंदी में इसको शीतल चीनी भी कहते हैं। इसके 4-5 नाम हैं। और दूसरा हो गया ये इसको कहते हैं पिपली, इसका दूसरा नाम भी है लॉन्ग ब्लैक पेपर। ये 2 चीज़ें जो हैं ये किराना शॉप पे आपको नहीं मिलेंगी, ये जो आयुर्वेदिक की शॉप्स होती है उन पे आपको मिलेगा। और जो ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, इन 2 इंग्रेडिएंट्स की वजह से बहुत ही अच्छे ये कबाब बनेंगे, इनकी बहुत ही खुशबू निकलेगी। आप एक बार ट्राई करना ज़रूर। आप उसके बाद हमें सबसे पहले जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हमें भुनना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम रोस्ट कर रहे हैं, इनको हम 2 से 3 मिनट तक, 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये अब रोस्ट हो गया है, अब हम इसको मिक्सर से निकालेंगे। अब ये देखो हमने मिक्सर से निकाल दिया, ये तैयार हो गया है। अब हम ये जो मैदा है 4 से 5 चम्मच, इसको भी हम थोड़ा रोस्ट करेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, इंग्रेडिएंट्स, रोस्टेड मसाला सारा, इसको भी ऐड करेंगे इधर, गार्लिक पेस्ट ये भी इधर जाएगा, बुना हुआ मैदा आटा, और ये स्पाइसेस सारे, हल्दी, मिर्च, रेड चिली, साल्ट, धनिया पाउडर। अब हम इसको अभी ये ऑनियन, अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम चॉप्ड
धनिया भी ऐड करेंगे, कोरिएंडर लीव्स। अब ये मिक्स हो गया है सारा, अब हम इसके कबाब बनाएंगे। Please do subscribe my channel, comment, share and like, and press the bell icon for further updates. Thanks.